दिल्ली से शिरडी के लिए एरोप्लेन चल पड़ा है। 2:50 हो रही है। ये देखो ये चल रहा है अभी। देखो आपको दिखा रहे हैं दिल्ली से शिरडी। देखो अभी अभी चला है। ये बाहर का नजारा है। दो बज गए 50 मिनट पर चला है। देखो कैसे घूम रहा है। ये देखो अच्छा लग रहा है। देखो बाहर का नज़ारा। देखो कितनी एरोप्लेन खड़ी है बाहर। जो एयरपोर्ट है वहाँ से बस के अंदर आते हैं और यहाँ आके एरोप्लेन के अंदर सफ़र करते हैं। देखो अलग अलग लाइनें बन रही है यहाँ पर, उस पर एरोप्लेन चली हैं। 2 घंटा में हम शिरडी पहुँच जाएंगे। 2:50 चली है यहाँ से। देखो अभी उठी कौन, ऊपर ऊपर उड़ने वाली है। अभी तो चल रही है। ये देखो कैसे चल रही है। सॉरी एरोप्लेन है आगे। देखो कितनी है आगे, बहुत है। अलग अलग देखो किस तरह की है। दूर दूर तक बस दिखे नहीं, इतना दिखे सारी। देखो आगे तक भी कितनी एरोप्लेन है। जैसे बस है ना ऐसे ही बस स्टैंड पर रहते हैं ना ऐसे ही हवाई अड्डे में एरोप्लेन खड़ी है, बस की तरह ही खड़ी है बहुत ज़्यादा। अभी ऊपर नहीं है ना, नीचे ही चल रही है अभी तो। अभी तो नीचे चल रहा है तो ज़्यादा आवे। अब बाहर कोई तो आवे खड़क लो। अभी तो नीचे ही चले, ऊपर ही कौन चल रही। मुड़ेगी अभी तक तो नीचे ही चले। मुड़ भी गए, ये मुड़ रही है, ऊपर न जाएगी, अभी तक नीचे ही है। देखो कैसे चल रही है। ये रुक गई है, एरोप्लेन भी चलती चलती रुक है। देखो रुक गई है अभी, अभी ये नीचे ही है। देखो मेरा बेटा भी वीडियो बना रहा सामने मेरी है। वो
ऊपरली खिड़की के पास बैठा है, क्योंकि अभी ये सीट खाली है, बहुत सारी सीटें खाली है अभी, इसलिए वो सामने सीट पर जाके बैठ गया। वो कहता मैं बाहर से वीडियो बनाऊंगा, इसलिए वो भी वीडियो बना रहा बाहर की। देखो हम यहाँ बैठे हैं दोनों, ये बाहर की है, हम अंदर बैठे हैं, ये अंदर का नज़ारा है। देखो तो रुक रही है, बाहर नहीं, ऊपर ना उड़ान नहीं है। ये यहाँ तो बहुत तेज हवा चल रही है, बहुत ज्यादा। अभी यहीं पर खड़ी है, कैसे हिल रहा थे, क्यों पागड़ा पागड़ा हिले, चली चली को नहीं हवाओं मिल है, इतना भांगड़ा है। देखो ये नीचे दिखाई दे रही है आपको सड़क, ये सड़क है, अभी यहीं पर रुकी है। ये फिर से चलने लगी है, ये देखो कितनी तेज चल रही है दिल्ली से शिरडी के लिए। देखो एरोप्लेन कितनी तेज चल रही है, अभी ये ऊपर न जाएगी, ये ऊपर न चलने वाली है, अभी तो नीचे चल रही है फिर ऊपर चलेगी। देखो ये ऊपर चल रही है अभी, ओ तेरे गिरे टेडी क्यों करेगी। ये देखो कितनी ऊपर चढ़ गई इतनी देर में, देखो देखो कितनी ऊपर हो गई है, देखो नीचे छोटे छोटे दिख रहे हैं बिल्कुल ही, ओ तेरे गिरे ऊपर चढ़ा खांगी हो गए, देखो कितनी ऊपर चढ़ गई है, नीचे बिल्कुल छोटे छोटे साधन दिख रहे हैं आपको, नजर आता होगा गाड़ियां चल रही है, देखो छोटे छोटे कितने छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं। ये दिल्ली का नजारा है, देखो कैसे दिखाई दे रहा है ऊपर से, अभी ये ऊपर न हो गई है, देखो नीचे कितने मेट्रो चल रही है, जो घर है छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, पेड़ पौधे इतने जबरदस्त दिखाई दे रहे हैं यहाँ से, कितना अच्छा लग रहा है। देखो आपको ये पूरा दिल्ली का एरिया दिखाई दे रहा है, ये देखो कितना अच्छा लग रहा है, देखो इतना हमारे को तो ऐसे लग रहा है बिल्कुल धीरे चल रही है, देखो कितनी ऊपर जा रही है, ये देखो बादलों के अंदर घुस गई है, बादलों के अंदर घुस गई है एक तो बिल्कुल ही, बहुत ऊपर हो गई है, नीचे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है, बिल्कुल धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा होगा आपको। देखो हम 2 घंटे में शिरडी पहुंच जाएंगे, देखो ये बिल्कुल ऊपर हो गई है, ये देखो अंदर का नजारा,
देखो एरोप्लेन से कैसे दिखाई दे रहा है नीचे आपको। हम तो ऊपर चल रहे हैं, नीचे बादल हो रहे हैं जैसे बर्फ का गोला हो है। देखो बिल्कुल बर्फ जैसा लग रहा है, नीचे बादल है ऊपर हम हैं। देखना कैसे लग रहा है, नीचे बीच बीच में कोई शेर भी दिखाई दे रहा है। देखो बादल कैसे है ऊपर, देखो एरोप्लेन तो ऊपर है और बादल नीचे है, कैसे है देखना, जैसे बर्फ की चादर बिछी हो। ऊपर बिल्कुल ही बादल नहीं है ये देखो। देखो कैसे है ये नज़ारा, बाहर का है देखो। ताज होटल है ये, बम्बई का ताज होटल है देखो। ये देखो ताज होटल जहाँ हमला हुआ था आतंकवादियों का, वो ताज है इस ताज होटल में हुआ था। देखो ये गेट है, वहाँ देखो बड़ी बड़ी जहाज जो विदेशों से सामान आता है ना, वो देखो ये समुंदर है, समुंदर के अंदर बड़ी बड़ी जहाजें आती है जो बाहर से, वो दिखा रहे हैं आपको। ये बड़ी बड़ी जहाजें आ रही है, वो देखो अंदर ये समुंदर है, देखो बड़ी बड़ी जहाजें जो बाहर से आती है। देखो वो जहाज आ रही है, ये समुंदर है, ये वो ताज होटल है जिसमें आतंकवादी घुस गए थे, वो ताज है ये ताज होटल है। देखो यहाँ कितनी भीड़ है, ये दरवाज़ा है, यहाँ से लोग देखते हैं आते हैं जाते हैं, अंदर नहीं जाने देते इसके, ये बंद कर रखा है। ये ताज होटल का नज़ारा है देखिए आप, बम्बई का। यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत लोग आते हैं यहाँ। अभी तो यहाँ धूप है, थोड़ी देर में बारिश भी हो जाएगी, बार बार घंटा दो घंटा से यहाँ बारिश होती रहती है। ये ताज देखो, ताज होटल है ये, ताज होटल का एरिया है जो समुंदर के बिल्कुल पास में ही है। देखो ये बम्बई का नज़ारा है, बम्बई का ताज होटल। और यहाँ से समुद्री जहाज आते हैं जो बाहर से बड़े बड़े, वो दिखाई दे रहे होंगे आपको, जो यहाँ उतरती है वो सामान। वीडियो को देखना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बताना आपको कैसा लगा ये ताज होटल का नज़ारा, कितना अच्छा लग रहा है। हर कोई वीडियो बनाता है, सेल्फी लेता है, जैसे देखो बाप बेटे एक दूसरे की फोटो खींच रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है इनको देखो।